नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गर्ल सिटीजन में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाइप एंड सिस्टम की पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें आज हम आप सभी को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिखाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 4 hours and 6 hours respectively, while pipe C can alone empty it in 8 hours. If all the pipes are open together, then in how much time the whole tank will fill? तो देखिए, इस क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन हमको कहा जा रहा है, दो पाइप है, ठीक है, दो पाइप है जो किसी टैंक को 4 घंटा 6 घंटा में भर देते हैं और 8 घंटा में पाइप सी से ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हमसे सॉल्व करना, बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे जिसकी हमने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे तीन पाइप है, पाइप ए, पाइप बी एंड पाइप सी, ठीक है। पाइप ए भरती है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 घंटा 6 घंटा में, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोस्तों आइए लिख लेते हैं 4 hours 6 घंटा। और पाइप सी जो है दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पाइप सी 8 घंटे में खाली कर देती है। तो जब हम खाली करेंगे दोस्तों, तो हम खाली करने के लिए यहाँ पे 8 घंटा लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे आगे माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि पाइप सी यहाँ पे खाली करी, बाकी सब ऐड करी, तो सब पे प्लस कर देंगे, ठीक है। बस यही एक अंतर है दोस्तों इस क्वेश्चन में, इसी चीज़ पर बस आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, ठीक है। तो अब आइए इसकी हम निकाल लेते हैं टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हम यहाँ पर निकालेंगे 4, 6 और -8 के एलसीएम जो हम निकालते हैं दोस्तों, तो हमारा रहता है 24, ठीक है, 24 आवर हो गया। अब एफिशिएंसी निकालते हैं, 6 4 24, 6 4 24, ठीक है, 8 3 24। तो ये इसको हम क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे दोस्तों। क्यों माइनस हम यहाँ पे लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे टैंक खाली हो रही है, तो एफिशियंसी हमारे यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको एकदम क्लियर है दोस्तों? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टोटल टाइम हमारे पास 24 आवर आ गया है। अब आगे हम जिससे सॉल्व करते हैं, जस्ट उसी तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम द होल टैंक विल फिल? तो हम लिखेंगे होल टैंक विल फिल्ड इन, तो देखिए यहाँ पे टोटल में 24 आवर है, इसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल एफिशियंसी के साथ। तो टोटल एफिशियंसी देखिए यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, यहाँ पे 4, ठीक है, एफिशिएंसी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 + 4 = 6 - 3, ठीक है, सॉरी 6 + 4 - 3, तो यहाँ पे 7 आ जाएगी। तो जब इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 3 by 7 hours, ठीक है। तो दोस्तों, किसी तरह का दिक्कत नहीं है आपको इस सवाल में, बस आपको यहाँ पर ध्यान ये देनी थी कि इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, माइनस लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे टैंक से क्या कर रही है, पानी बाहर निकल रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, और जो जो टैंक भर रहे थे तो उसमें हमने प्लस कर दिया, बट जो माइनस कर रहा था उसमें हमने माइनस ले लिया, ठीक है। बस उसी तरह से एफिशिएंसी भी माइनस करके हम निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे स्क्रीन पे कि इस सवाल में क्या कहा जा रहा है। इस सवाल में कहा जा रहा है, सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय टू पाइप्स फिलिंग सेपरेटली इन 12 एंड 16 मिनट रेस्पेक्टिवली, बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर ए सर्टेन टाइम बीइंग क्लॉग्ड, ठीक है, ओनली 7/8 ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर फ्लो थ्रू द फॉर्मर एंड ओनली 5/6 थ्रू द लेटर पाइप। तो इस सवाल में आपको कहा जा रहा है कि दो पाइप है यहाँ पे, पहले यहाँ पे जो उसकी क्षमता होती है पूरे भरने की, बट यहाँ पे वो इतना नहीं कर पाता है दोस्तों, बस यहाँ पे 7/8 भर पाता है स्टार्टिंग में, और दूसरे पाइप 5/6 भर पाती है। और जब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्लियर होने के बाद दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन को जब क्लियर कर दिया जाता है, तब सिर्फ 3 मिनट में ही टोटल टैंक भर जाती है। यानी कि स्टार्टिंग में जब हम बात करें, तो यहाँ पे क्लॉग्ड यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है पाइप में, किसी तरह का रुकावट आ गया है, जिसके कारण ये क्या करती है, 7/8 यानी कि इसकी टोटल एफिशिएंसी 8 है, बट टोटल एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाती है, 7/8 के साथ करती है, और दूसरे पाइप 5/6 के साथ करती है। तो आपको इस सवाल में पूछा गया है कि जो ये क्लॉग्ड हो गई थी पाइप, उसके आधार पर आपको निकालना है कि कैसे ये कितने समय लगे होंगे उसे फिल करने में क्लॉग्ड के दौरान में, ठीक है, बिफोर के आपके पूछा जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे पता है यहाँ पे दो पाइप है, तो हम लिख लेते हैं पाइप ए पाइप बी। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे, पाइप बी 12 मिनट में भरती है 16 मिनट में, तभी यहाँ पर लिखते हैं 12 मिनट और यहाँ पर 16 मिनट लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें टोटल टाइम यहाँ पर निकालनी है, जैसे कि हम जिस सारे क्वेश्चन में कर रहे हैं उसी तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल टाइम जब यहाँ पे निकाल लेते हैं दोस्तों, तो हम इसके एलसीएम निकाल लेंगे, और यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम हम अपना 40, ठीक है, 48 एलसीएम हो गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी है, तो 12 4 टाइम जाएगी, 16 3 टाइम जाएगी, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 3 हमने यहाँ पर लिख लिया, तो ये हो गई एफिशियंसी दोस्तों। किसकी एफिशियंसी, जब
अच्छे से पाइप काम कर रहा हो तब, ठीक है। तो ये हमारी इसकी एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डाउट नहीं करनी। अब हम यहाँ पे बिफोर आफ्टर की केस लेते हैं, तो यहाँ पे पहले बिफोर लिख लेते हैं, बिफोर। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं आफ्टर, क्योंकि देखिए सवाल में आपको कहा जा रहा है हाउ लॉन्ग वाज इट बिफोर द फुल फ्लो बिगेन। बिफोर की बात की, आफ्टर की अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर पे देखिए यहाँ पे हिंट्स आपको लिखा गया है कि 3 मिनट बाद ही यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, 3 मिनट लिख लेते हैं, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ दोस्तों, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एफिशिएंसी के साथ, क्योंकि 3 मिनट बाद जब उसकी ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर हो जाती है तो ये अच्छे तरह से काम करने लगती है, तब तक फुल एफिशिएंसी के साथ काम करेगी, यानी कि ए प्लस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारी एफिशिएंसी 4+3 की एफिशिएंसी के साथ करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए 4 और 3 एफिशिएंसी हमारी निकली फुल एफिशिएंसी के साथ, 3 × 7 यानी कि यहाँ पे 21 मिनट हो गया हमारा दोस्तों। ये जो 3 मिनट बाद जो टैंक फुल हो जाती है उसकी ये यहाँ पे हमारे यूनिट में हमने निकाल लिया टाइम, ठीक है। अभी हमारे आफ्टर की यहाँ पे क्लियर होगी, ये हमारे ए प्लस बी की है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये हम बिफोर की बात करते हैं ए प्लस बी के बारे में, तो जैसे हम पहले करते थे दोस्तों उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। हम क्या करते थे, टोटल टाइम में से आफ्टर वाली को माइनस कर लेते थे बिफोर को निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे टोटल टाइम 48 है माइनस कर देंगे यहाँ पे हम कितने के साथ दोस्तों, 21 के साथ यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 24, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। 24 यूनिट हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को आप जब पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है कि बिफोर की जब हम बात करते थे तो यहाँ पे जो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रही थी, 7/8 के साथ कर रही थी और 5/6 के साथ कर रही थी पाइप ए और पाइप बी, तो उसी आधार पर हम लिखेंगे यहाँ पर पाइप ए, ठीक है। पाइप ए जो हमारे दोस्तों कर रही है कितने के आधार पर कर रही है दोस्तों, हमने यहाँ पे देखा 7/8 के आधार पे कर रही, तो हम 7/8 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एफिशिएंसी के साथ। तो ए की एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे 3.5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3.5 यूनिट लिख लेते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम पाइप बी के बारे में बात करते हैं, तो पाइप बी की देखेंगे यहाँ पे आए तो 5/6 क्वेश्चन में कहा गया कि 5/6 के साथ कम कर दिए, एफिशिएंसी कितना है दोस्तों, 3, तो 3 लिख लेते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको जब काट लेंगे तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 2.5 यूनिट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2.5 यूनिट, अब दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें दोनों की साथ की एफिशिएंसी चाहिए, सिंगल की बात हो ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों 6 यूनिट, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए सवाल में क्या कहा जा रहा है, सवाल में कहा जा रहा है हाउ लॉन्ग वाज इट बिफोर द फुल फ्लो बिगेन, ठीक है। तो ये हमने अलग अलग की एफिशिएंसी निकाल ली 7/8 के साथ में, क्यों दोस्तों, क्योंकि बिफोर की बात किया जा रहा है, आफ्टर में तो टोटल काम हो ही गई है लेकिन बिफोर में जो ये काम करेगी दोस्तों यही आपकी 6 यूनिट यहाँ पे जो निकला एफिशिएंसी, हम बिफोर के लिए एफिशिएंसी निकाले हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 24 यूनिट के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे, 6 के साथ डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो 6 के साथ डिवाइड देंगे, अच्छा दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हो गया है, यह हमारा 24 नहीं है, ठीक है, इसको जब आप मैच करेंगे 27 है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो 27 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/1/2 इस सवाल का आंसर, जो कि यही होगा, क्योंकि सवाल में देखिए अब पड़ेगा हाउ लॉन्ग वाज इट बिफोर द फुल फ्लो बिगेन, बिफोर की बात की जा रही है तो हम बिफोर पे हमारा 4/1/2 आंसर रही। चलिए यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, मैं आपको इसको थोड़ा बाहर में कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। बिफोर की बात की गई थी तो हम यहाँ पे मिटा देते हैं और यहाँ पे आपको अच्छे से बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बिफोर में हमने यहाँ पे निकाल लिया था कि 27 यूनिट हमारे पास बच रही थी और हमने जो एफिशिएंसी निकाल ली जब पाइप क्लॉक्ड हो गई थी 6 की एफिशिएंसी, तो यहाँ पे हमने 4/1/2 आंसर निकाल लिया है। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। तो किसी तरह का दिक्कत नहीं, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन के ऊपर अब आप ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है असिस्टेंट कैन बी फिल्ड बाय वन ऑफ द टू पाइप। देखिए दो पाइप है जिस जो 30 मिनट के रफ्तार से भरती है और दूसरी पाइप है जो 36 मिनट की रफ्तार से भरती है, दो पाइप है किसी असिस्टेंट को भर रही है। बट स्टार्टिंग में क्या होती है, पाइप में क्लॉक्ड होने के कारण, पाइप में रुकावट होने के कारण वो अपने फुल एफिशिएंसी के साथ पानी पाइप नहीं भर पाती है। पहली पाइप है वो अपनी क्षमता से 5/6 की रफ्तार से भर पाती है और दूसरी पाइप है वो अपनी क्षमता से 9/10 की रफ्तार से भर पाती है। फिर कुछ समय बाद इस ऑब्स्ट्रक्शन को हटा दिया जाता है और पूरा टैंक आपकी 15 सही 1/2 मिनट में भर जाता है। तो आपको सवाल में पूछा गया है कि ये 15 सही 1/2 मिनट से पहले जो समय लगा है वो कितना समय लगा है टैंक को भरने में, यानी कि कितना समय लगा है उसे करने में, ठीक है। तो ये इसको आप पूछे, जैसे कि आप समझ लीजिए कि पाइप ए की बात की 7/8, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अपनी फुल एफिशिएंसी से कम काम कर रही है, ठीक है। 8/8 रहती तो पूरी एफिशिएंसी के साथ कम थी, यानी कि अपनी एफिशिएंसी से ये कम काम कर रहा है, यही आपको इसमें बताया गया है, ठीक है। तो इस बात को उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पाइप ए हम लिख लेते हैं और पाइप बी लिख लेते हैं।
पाइप ए किसी टैंक को भरती है यहाँ पे 30 मिनट बताया गया है और पाइप बी 36 मिनट। तो देखिए इसकी हम एलसीएम निकाल लेते हैं, जो कि हमारा टोटल टाइम निकलता है। एलसीएम हम निकाल लेते हैं 180 हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, जिसकी आपको पता है। तो एफिशिएंसी जब निकाल रहे होंगे तो 3 6 18 होती है और ये 36 फाइव टाइम चली जाएगी। तो हमारी जो एफिशिएंसी आए दोस्तों, जो लास्ट की 15 से 1/2 मिनट के लिए ये एफिशिएंसी आए, क्योंकि अपने फुल एफिशिएंसी के साथ जब दोनों मिल करके काम करेंगे तो 6 और 5 की एफिशिएंसी के साथ पाइप ए और पाइप बी काम करेगा। अब देखिए हम बिफोर एंड आफ्टर की कैसे ले लेते हैं। बिफोर हमने यहाँ पर लिख लिया है, अब हम लिखते हैं आफ्टर, ठीक है। अब देखिए आफ्टर की बात यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि टैंक जो है आपकी ए प्लस बी के लिए हम यहाँ पे ले रहे भर रही है। तो आपको यहाँ पे बताया गया कि 15 से 1/2 मिनट ये काम करता है, ठीक है। तो 15 से 1/2 मिनट हमने यहाँ पे लिख लिया। और कितने की एफिशिएंसी के साथ दोस्तों ये काम करेगी, ये एफिशिएंसी के आपके साथ काम करेगी यहाँ पे, जिसके आपने यहाँ पे निकाल लिया है 6 और 5, ठीक है। तो 6 और 5 तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। 6 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख देते हैं 6 + 5 यानी कि 11। तो ये 15/2 को हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 31/2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे हम 11 से। तो दोस्तों अब आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास जो नंबर आएगा उसे आप लिखेंगे। तो हमारा नंबर आता है 341/2, इसको डिवाइड जब करेंगे तो हमें 170.5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो लिख लेते हैं 170.5। तो ये 170.5 यूनिट आता है आपकी जब 15 से 1/2 मिनट में पूरा टैंक फिल हो जाती है, यानी कि जो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी बात का ये। अब हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन की पहले की बात दोस्तों, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारी बनती है वो ऑब्स्ट्रक्शन से पहले से ही बनते हैं। तो देखिए पाइप ए में बताया जा रहा है कि कितनी की कम अपने एफिशिएंसी से कम पे काम कर रहा है, यानी कि 5/6 के साथ काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरी 9/10। तो हम यहाँ पे ए पाइप ए की जब यहाँ पे निकालेंगे दोस्तों अपनी ये 5/6 के रफ्तार से भर रहा है अपनी क्लॉग होने के कारण और एफिशिएंसी से 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 यूनिट हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे लेते हैं हम बी को, बी को देखिए 9/10 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 5 के साथ, क्योंकि एफिशिएंसी 5 है और ये हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 4.5 यूनिट। यानी कि अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 9.5 यूनिट ए प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है। दोनों की एफिशिएंसी को हमने ऐड कर लिया है दोस्तों। और ये देखिए ये 6 + 5 हमारे किसके लिए आया है, क्लॉक्ड होने के बाद। अब क्लॉक्ड होने के पहले की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो खराबी हुई है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ऐसा सॉल्व किया क्योंकि ख़राब होने से पहले की बात कर, बिफोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास देखिए बिफोर की केस में हमारे पास जो एफिशिएंसी आएगी दोस्तों वो इसके कारण आएगी, ठीक है। ये जो आपकी डाटा दी गई तो हमारे पास 9.5 यूनिट आ जाती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बिफोर की केस पे हमारा आंसर निकलेगा, तो हम बिफोर पे यहाँ पे डाल लेते हैं। बिफोर का बात करते हैं हम अगर जो ए प्लस बी पे, ठीक है। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे जैसा हम करते थे वैसे करेंगे, हम यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं, वहाँ से अपना जो यूनिट निकला उसको माइनस कर लेंगे, यानी कि 170.5। तो 170.5 इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9.5 यूनिट। डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी का, किस एफिशिएंसी के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है 9.5 से करेंगे तो हमारे पास 1 यहाँ पे आएगा और ये जो 1 है दोस्तों इसे मिनट में लिखते हैं और यही हमारा आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों हमने इसमें क्या किया, आपको पता है आपको सवाल में कहा गया हाउ लॉन्ग इट बिफोर, ठीक है, द फुल फ्लो ऑफ द वाटर बिगेन। तो बिफोर की बात की है तो बिफोर में हमने यहाँ पे लिख लिया, आफ्टर से हम यहाँ पे क्या किया दोस्तों उसकी आंसर निकाल लिया। अब देखिए अगर जो आपको एग्जाम में पूछा था टोटल टाइम कितना लगता है तो यहाँ पे हम लिखते हैं, नोट करके आप लिख लीजिएगा टोटल टाइम, ठीक है, टी टाइम मैं लिख रहा हूँ। तो टोटल टाइम निकालने के लिए दोस्तों ये 1 मिनट, तो हम यहाँ पे 1 मिनट प्लस दोस्तों ये जो क्लॉक्ड होने के बाद जो रफ्तार से काम की उसके साथ, तो आपको पता है 15 से ही 1/2 मिनट के साथ, तो हम यहाँ पे 15 से 1/2 मिनट लिख लेते हैं। दोनों को ऐड करेंगे 16 से 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। अगर जो आपको इस सवाल में पूछा जाएगा दोस्तों कि कितना टाइम लगता है पूरे को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना रहने देते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।